हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 6। इंग्लिश क्लास 8 की वर्कशीट है, टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है कंटिन्यू चल रहा है। आप इसमें देखिए डिग्रीज के बारे में ही बात हो रही है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंटिन्यू एंड सी सम मोर वेज चेंज करने के डिग्रीज को, ठीक है। सी पार्ट है, इफ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल एंड इन अ सिंगल कंसोनेंट एंड हैज अ शॉर्ट वॉवल बिफोर इट, द कंसोनेंट इज डबल। क्या कह रहा है ये कि अगर कोई पीछे कंसोनेंट है उससे पहले वॉवल है तो ये कंसोनेंट जो है टी जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको समझते हैं क्या होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है हॉट। हॉट का देखिए, हॉट से ठीक पहले क्या है, वॉवल है। वॉवल कौन कौन सा होता है, ए आई ओ यू, ये वॉवल होते हैं। वो हॉट टी से पहले वॉवल है तो ये टी डबल हो गया है ना, हॉटर डबल हो गया और ई आर लग गया, हॉटेस्ट ई एस टी। ई आर और ई एस टी तो लगना ही है, यहाँ आपको ई आर लगाना है, यहाँ ई एस टी लगाना है, डबल का ध्यान रखना है। अब देखिए फैट से पहले ए है ना वॉवल, तो क्या बनेगा ये फैटर, और यहाँ क्या होगा फैटिस्ट, फैटिस्ट। नेक्स्ट थिन, एन से पहले वॉवल है आई, तो क्या लिखेंगे थिनर, थिन का थिनर, और फिनिश्ड, फिनिश्ड डबल एन होगा ई एस टी। क्लियर है। बिग देखिए जी से पहले क्या है, जी से पहले आई है, आई इज वॉवल, तो जी डबल हो जाएगा, ध्यान देना लास्ट वर्ड डबल होगा, बिगर और बिगेस्ट। क्लियर है बिगेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पे। तो ए और बी पहले वर्कशीट में आ चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं। मैनी एडजेक्टिव ऑफ टू सिलेबल्स एंड ऑल एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स चेंज देयर डिग्री बाय यूजिंग मोर। कई सारों में मोर और मोस्ट का यूज होता है, तो चलिए समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री है ब्यूटीफुल, तो इसमें हमने कंपैरेटिव में लगा दिया मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव दो के बीच में कंपैरिजन होता है, पॉजिटिव एक के लिए होता है, और मोर देन टू के लिए ये होता है सुपरलेटिव, मोर देन टू। तो ऐसे इंपॉर्टेंट के लिए क्या लिखेंगे, मोर इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, और यहाँ क्या हो जाएगा बस मोस्ट और मोर लगा देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। ऐसे पॉपुलर के लिए क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव क्या बनेगी, मोर पॉपुलर, और यहाँ होगा मोस्ट पॉपुलर। डिफिकल्ट के लिए मोर difficult and most difficult, difficult। clear हो गया। चलिए let us now practice जो हमने अभी तक किया है उसको करते हैं। देखिए fast का क्या बना, faster, सीधी सी बात है, पहले वाला भी हमने लेके चल रहे हैं, पुराना भी और नया भी, fast, faster, fastest। ऐसे strange, ये तो पहले ही है यहाँ पे, तो stranger बनेगा, strange जर, ये पहले ये सिर्फ आर लगा है, स्ट्रेंजेस्ट। यहाँ मोस्ट है तो ये क्या होगा फेमस, यहाँ होगा फेमस, फेमस, और फिर क्या होगा मोर फेमस, मोस्ट फेमस, ठीक है। फिट, फिटर, और यहाँ क्या होगा फिटेस्ट, फिटेस्ट। प्रेटियर का प्रेटी हुआ यहाँ पे, प्रेटी पी आर ई, प्रेटी डबल टी वाई, और वाई को ही हमने आई ई आर लिखा था, आई एस टी प्रेटीएस्ट, पी आर आई प्रेटीएस्ट, आई नहीं आएगा आपने, पी आर ई डबल टी आई एस टी, ठीक है। लाइटेस्ट लिखा है तो यहाँ क्या होगा लाइट होगा, और फिर लाइटर होगा, और फिर लाइटेस्ट होगा ना, ई आर और ई एस टी लगा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप जो है इसका बना के दिखाइएगा, फैट का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, फिर मिलते हैं।